ये कोई डिजाइन नहीं है, एक्चुअल कार्बन फाइबर, ये पूरा ओरिजिनल कार्बन फाइबर ना, ओरिजिनल कार्बन फाइबर। भाई देखो क्या सेक्सी लुक आ रहा है, इतना ज्यादा हल्का है कि देख रहे हो हाथ पे कोई जोर भी नहीं पड़ रहा, ऐसे उठा कर रखे तो मतलब एक एक पार्ट का सॉफ्ट है, देख रहे हो कितना ज्यादा सॉफ्ट है। When you see me, you better run! बाइक से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो ये देख सकते हो भाई यहाँ पे बाइक पार्क की अपना, और अभी हम आए हैं राज भैया घर पे, तो यहाँ पे कुछ सरप्राइज आप लोग के लिए। तो चलो पहले चलते हैं यहाँ से अंदर, देखते हैं भैया कहाँ पे। भैया क्यों गाली पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत लेट, मतलब बहुत ज्यादा लेट हो गया है भैया, कब से वेट कर रहे हैं मेरा। ओ भाई आ गए तुम, इतना देर से इंतजार कर रहे थे। ब्लॉग स्टार्ट है, रात को 10 बज गए, 5 बजे से इंतजार करते करते। तो देखो भाई कब से मेरे को बुलाया गया, हम कब आ रहे हैं। तो भाई देख सकते हो सरप्राइज यहाँ पे, सबर का सीमा तुम सारा तोड़ दिया। तो अभी इसको अनबॉक्स करने वाले हम लोग, और यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे मेरा बाइक भी दिख रहा है, ये देखो मेरा बाइक पार्क है। अच्छा अब तो कैमरा हमको देख रहे होंगे पूरा, क्या आ रहे या नहीं आ रहे? बैठे। अच्छा अपना काम कर रहे थे, ध्यान देते तो पहले खोल देते। देखो भाई यहाँ बाइक दिख रहा है मेरा, तो चलो फटाफट इसको अनबॉक्स स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप लोग का इसके अंदर क्या है। सो गाइस देख सकते हो अभी अनबॉक्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखो भाई कट लग गया, केक कट गया। हैप्पी बर्थडे। इतना देर भाई गेस करो, आप लोग गेस करो क्या है इसके अंदर। दोपहर में लेकर के आए हैं, तब से इंतजार कर रहे कि तेरा ऑफिस खत्म होगा तो आएगा, फिर तब मेरा काम भी आ गया। ऑफिस आ गए थे वैसे, थोड़ा सा लेट हो गया, घर का काम था ना, बस के लेट हो गया। तो फिर मेरे दोस्त भी मेरे को बुला लिया, तो मेरे को जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, रहा नहीं जा रहा। अब अनबॉक्स हो रहा है, आज तो पहन के नहीं घूम के आ गए, कल तो पहन के पक्का राइड होगा। सो गाइस देख सकते हो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ऊपर पढ़ के ये क्या है। तो भाई अब ये फाइनल कट लग रहा है इस पे, हाँ अब खुलेगा। जितना ज्यादा बेसब्री होता है ना उतना मुश्किल लगता है खोलने में। कोई बात नहीं, फाड़ते भी निकालेंगे कुछ। मैंने फाड़ी है, मत अच्छे से निकाली। अच्छा अच्छा ऊपर से खुलेगा ना, तो भाई देख सकते हो ये खुल चुका है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है, ये देखो भाई। पूरा देख सकते हो भाई, पैकिंग देखो इसका, इसको बैग के अंदर पैक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। और कुछ आ रहा है एक्सेसरीज पे, पहले क्या क्या है ये, क्या बैंडेड के लिए है, बैंडेड है, एंटी फॉग है, हाँ एंटी फॉग है, देख रहे पेपर वर्क। अच्छा ये देखिए रेडियम दिया हुआ है, हेलमेट के साइड में पीछे कहीं लगा सकते हैं। ये क्या है, यही तो रेडियम लग रहा है मेरे को, एडीसी कुछ चाहिए यहाँ लगाने के लिए, फिक्सर हुए तो कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अच्छा ये क्या है, ये एंटी फॉग है ना, पीछे घुमाइए, हाँ एंटी फॉग, एंटी फॉग है, ये क्या है, एंटी फॉग है, तो नीचे लिखा हुआ देखिए, घुमाइए घुमाइए, इस तरफ घुमाइए, देखिए वहाँ पे लिखा ना एंटी फॉग, एंटी फॉग सिस्टम, यही है क्या एंटी फॉग सिस्टम, यही है क्या, प्लास्टिक का कवर होगा, उसको फाड़ के लगाना होगा, देखते हैं। तो चलो जल्दी भी, अब वेट नहीं हो रहा है, अब उसको खोलिए, अब उसका बारी है, अब आते हैं मेन कोर्स में। पैकिंग देख रहे हो भाई, इसी से समझ लो कितना बवाल चीज़ है यार, खोले कि नहीं खोले, धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे खोलिए प्यार से। अच्छा हम जब बोलेंगे तब उठाइएगा, ठीक है। ऐसे इसका बैग अच्छा है भाई, हाँ बैग जो है ना सही, कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है, कैरी भी कर सकते हैं। चलिए चैन खोलिए, हम बोलेंगे 1 2 3 तब उठाइएगा, ठीक है। इससे 1 2 3 जैसे बाइक रिवील हुआ था ना वैसे ही होगा।
वन टू थ्री नहीं और एक कवर है, और एक कवर है इसके अंदर हेलमेट कोई बात नहीं, फिर से वन टू थ्री बोलेंगे। अब नहीं जरूरत है, अब निकालने के लिए हेलमेट के लिए। अच्छा रिस्क नहीं लेना ना, रखते हैं मस्त। ये तो अच्छा पैकिंग नहीं, अच्छा है पैकिंग बता रहे इसका। देखिए ये बैग बहुत अच्छा है, फिर से बोला जाएगा वन टू थ्री। अब सही, अब सही है। अब इसका पर्दा उठाया जाए, दुल्हन का घूंघट उठाया जाए, ठीक है। वन टू थ्री, ओहो इधर से देखो भाई, देख रहे हो क्या लुक है हेलमेट का। अब उठाइए बैग, हाथ उठाइए, अब लुक चेक करो भाई। अच्छा ये तो ये वो वाला है, वो चिपक गया उस पर। सो गाइस देख सकते हो ये फाइनल लुक हेलमेट का। तो भैया ये कौन सा हेलमेट है बता दीजिए एक बार। ये मॉडल नंबर LS2 थर्डनर प्लस कार्बन हेलमेट है, 805 मॉडल नंबर है इसका, F805, जिसको हम लोग कार्बन सुपरा भी कहते हैं। अच्छा तो ये सारा कुछ सेटअप करके, अच्छा मतलब इसके ऊपर जितना सारा पार्ट है वो कार्बन फाइबर का ही सब है क्या? सब कुछ कार्बन फाइबर का। अरे जी ये कोई डिजाइन नहीं है, एक्चुअल कार्बन, ये पूरा ओरिजिनल कार्बन फाइबर ना, ओरिजिनल कार्बन फाइबर, ये डिजाइन नहीं है। मतलब डिजाइन भी आता है कार्बन फाइबर वाला, हां लेकिन इस पे ये प्रो कार्बन फाइबर बना हुआ है। देखो ना ये तो देख के समझ में आ रहा है, प्रो लाइट वेट है ना, 1 किलो। सो गाइस आप लोगों ने लुक तो देख लिया, तो चलो इसको पहन के दिखाते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो चलिए भैया पहन के स्टार्ट करिए। ये इंटरकॉम लगा हुआ है, ये चलता है कैसे? इंटरकॉम लगा हुआ ना, ये इंटरकॉम का सेटअप, माइक वाइक सब कुछ। अच्छा माइक वगैरह है, इसमें क्या है, ये क्या है? अच्छा ये इंटरकॉम का वो डब्बा है, क्या है इसमें? अरे यार हर तरफ से, अच्छा ये में भी हो सकता है ना, ये जान बुझ के ऐसे करके हाँ आपको दिया है कि आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, अपने हिसाब से लगा ले इसको, है ना। सो गाइस चलो अब ब्लैक वाइजर लगाते हैं, पहले तभी आप लोगों को अच्छा पता चलेगा। ये तो पूरा ट्रांसपेरेंट वाइजर है, तो इसको उतना अच्छा लुक समझ में नहीं आएगा, लेकिन ब्लैक वाला का लुक और तगड़ा लगेगा। अब लोग शेयर कर देंगे कुछ फोटोग्राफ्स भी। हाँ पहले पहन के देखते हैं, पहले ये वाइजर लगा लेते हैं फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। सो गाइस देख सकते हो ब्लैक वाला वाइजर लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह का आ रहा है। एक मिनट आप लोग दिखाते हैं, हाँ यहाँ से देखो भाई क्या सेक्सी लुक आ रहा है। तो चलो अब इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है LS2 हेलमेट का, वो उसको उखाड़ते हैं। तो भैया उठाइए, काट रहे हैं कहाँ से 1 2 3 बोले क्या इसमें भी? नहीं यार नहीं बोली जाते, रुकिए 1 2 तो पहले उखाड़ दिया। नॉर्मल स्टिकर है यार, नॉर्मल पानी से चिपकाया हुआ है, मतलब पानी के थ्रू दिखे। नहीं वही ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर बस वही हाँ वही उठेगा। कैसे चिपक रहा है ये? पानी से चिपकाया हुआ है सब। ऐसा कुछ लुक आएगा साइड से। अच्छा बाल खोलना पड़ेगा पहले क्या? ओ, क्या लग रहा साइड से। अरे ये साइड में भाई देखो क्या सेक्सी लुक आ रहा है। बस भैया जीरा निकालिए, चलिए राइट पे, अब चलिए घूम के आते हैं। देख रहे हो भाई क्या तगड़ा लुक आ रहा है, पूरा मोटो जीपी वाला फील आ रहा है। पता देख के पीछे देखो, ये पीछे का बैक लुक है। यहाँ पे देख रहे हो भाई एक मस्त लग रहा है भैया, मस्त। इसके ये नीचे से पता है ये थंडर जो लिखा हुआ है ना, इसके नीचे वो सब रेडियम का टेपिंग दिया हुआ है। अगर पीछे से कोई लाइट वाइट पड़ेगा ना बाइक का, तो वो रेडियम चमकेगा, पता है। मस्त हेलमेट है। सो भाई चलो अब हमें वो ट्राई करते हैं, मेरे पे कैसा लग रहा है। तो चलो आप लोग देखना कैसा लग रहा है, बताओ कमेंट करके जरूर। इतना ज़्यादा हल्का हेलमेट ना, फिटिंग बैठ रहा है, मस्त फिटिंग आ रहा है। हाँ भाई साहब हम तो जा रहे हैं बाहर, देखो नहीं।
एक राउंड मार ले एक राउंड तू ही मार ले मार क्या जाए राउंड डीकपल लगा ले हम तो भागे घर पे ले गए आपको नीचे वाला जो है ना पूरा वो है चमक रहा है हाँ हाँ रात को तो हेवी लगेगा लाइट पड़ेगा तुम हल्का दिखे माता कहीं नहीं हिल रहा हाँ और तेरा ये भाई तेरा कलर पूरा मैच रे भाई मैच कर रहा है थोड़ा उधर देख उधर शाबाश तो भाई चलो एक राउंड मार के आते हैं देखते हैं कैसा लगता है भाई हेलमेट हेलमेट है भाई 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 एक बार गिरा शटर गिरा शटर वाइजर गिरा वाइजर मस्त फिल्म मस्त मस्त फिल्म मजा आ गया बैंक सो गाइस देख सकते हो इसका ओवरऑल व्यू कुछ इस तरीके का इसमें तो अभी ब्लैक वाला वाइजर लगा हुआ है इसका एक और व्हाइट वाइजर भी है तो इस पे रखे हैं भैया वो दिन के लिए वो रात के लिए यूज़ होगा ये वाला दिन के लिए यूज़ करेंगे वीडियो वीडियो के लिए तो भाई हेलमेट का अगर रिव्यू बताए तो भाई एक नंबर है मतलब क्या ही बताया इतना हल्का कि देख रहे हो हाथ पे कोई जोर भी नहीं पड़ा उसके ऐसे उठा कर रखे तो भाई थोड़ा भी प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है और फिटिंग तो इसका लाजवाब है भाई अंदर से पैडिंग देखो ये देखो भाई अंदर से पैडिंग मतलब एक एक पार्ट इसका सॉफ्ट है देख रहे हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और पैडिंग तो मतलब ऐसे बैठ रहा फेस पे कि क्या ही बताएं बहुत अच्छे से बैठ रही थी भैया इंटरकॉम लगा रखे यहाँ पे मतलब ये भैया मंगवाए हैं बैंगलोर से वो तो आए थे फ्लाइट से तो ये ऑर्डर पहले हो चुका था भैया पहले ले चुके थे लेकिन फ्लाइट पे ये सब हेलमेट लाना अलाउड नहीं है मतलब बाइक का कोई एसेसरीज लाना अलाउड नहीं है तो इसको फिर कुरियर के थ्रू मंगवाना पड़ा था तो ये आया था बैंगलोर से और साथ में हेलमेट लेने पे साथ में इंटरकॉम फ्री था ना भैया इसका इंटरकॉम फ्री था और एक वाइजर फ्री था उसी दिन का ऑफर था जिस दिन हम खरीदे थे उसके बाद अच्छा उस दिन का ऑफर था इसलिए ये इंटरकॉम ब्लू आर्मर का इंटरकॉम ये भी 3000 का है अच्छा ये देखो भाई ये वाला इंटरकॉम है जो इसके साथ ही मिला है भैया को ये शायद 3000 का है तो इसके इसका रिव्यू हम पहले ही देख चुके हैं यूट्यूब पे मतलब इसका भी क्वालिटी बहुत सही है भाई और भैया अब बताइए हेलमेट का प्राइस क्या है हेलमेट मेरे को पड़ा 35000 का अच्छा 35000 का 35000 थोड़ा बहुत इधर उधर 600-700 रुपया कम बेसी करके दिया वो अच्छा बट अराउंड 35000 का मेरे को कॉस्ट पड़ेगा अच्छा और इस पे कुछ डिस्काउंट वगैरह ऐसा कुछ कुछ था क्या ऑनलाइन में जाओगे तो ऑनलाइन में मिल जाएगा तुमको 1-2000 रुपए कम में मिल जाएगा बट वहां अच्छा। पे तुम पहन करके मतलब हेलमेट लेने के लिए फिटिंग देखना बहुत जरूरी होता है हां क्योंकि सबका साइज अलग-अलग होता है हां जो भी एडिशनल पैसा तुम दोगे ना उसका वो सिर्फ तुम्हारा ना हेलमेट पहन के चेक करने के लिए अच्छा पहन करके चेक करोगे देखोगे तुम्हारा साइज में आ रहा है बैठ रहा है तुमको फिटिंग हो रहा है तो नहीं तो ऑनलाइन फिर मंगाते रह जाओगे फिर वो ढीला पड़ेगा अच्छा तो उससे कोई फायदा नहीं है 1-2000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना बट सामने से टेस्ट करके ही लेना बिना टेस्ट राइड का बाइक नहीं खरीदते वैसे बिना टेस्ट राइड का हेलमेट भी नहीं खरीदते सो गाइस चलो ब्लॉग में बस इतना था ये बस इसी को अनबॉक्स करना था यही था आप लोगों के लिए सरप्राइज तो ये हेलमेट मेरा नहीं है ये हेलमेट भैया का है तो सरप्राइज क्या मतलब ये मेरे पे सरप्राइज है कि ऐसा दिखाया कि ये क्या बवाल मंगवा लिया तो चलो अभी ब्लॉग का एंड करते हैं और हेलमेट का रिव्यू दिया जाए तो अभी तक तो बैंक अच्छा लगा है बाकी अब नेक्स्ट ब्लॉग पे देखना जब उसको पहन के राइड करेंगे भैया वो खुद ही बताएंगे कैसा रिव्यू हो कैसा मतलब पहन कैसा फील आ रहा नहीं आ रहा तो चलो फिलहाल ब्लॉग एंड करते हैं अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना तो मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे कमेंट के साथ तब तक के लिए बाय गाइस टेक केयर